हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो सीरीज में हम JNVST टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, और ये क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 के लिए होता है। अब स्टूडेंट्स, ये टेस्ट तो आपने इसका एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल ही कर लिया होगा। अब आंसर कैसे लिखने हैं, आपको पता होता है कि एंट्रेंस टेस्ट में 4 ऑप्शन आते हैं और उसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। अब जो आंसर शीट है, ये ओरिजिनल वेबसाइट के थ्रू दी गई है, आपको ऐसी ही आंसर शीट वहां पे पेपर में मिलेगी। अब आपको पेपर भी आता है, तैयारी भी सही है। अगर आप आंसर गलत लिखोगे तो आपका पेपर बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यही हम देखने वाले हैं। तो आपकी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आपकी आंसर शीट है, ठीक है। ऐसी ही आंसर शीट आपको वहां पे मिलेगी, जिसकी साइड वन ये देखिए। सबसे पहले हम इसको डिटेल में समझते हैं और आपको इसको समझना है। अगर आप इसमें थोड़ी सी भी गलती कर दोगे तो आपका पेपर जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। फिल इन द फॉलोइंग एंट्रीज विद ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट ओनली, मतलब आपको जो एंट्रीज फिल करनी है वो काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से करनी है। दो तरह के पेन आते हैं, जेल आता है और बॉल आता है। तो आपको बॉल पॉइंट पेन ले जाना है पेपर में, जेल नहीं ले जाना है, चाहे वो नीला हो या काला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मान लीजिए ये लिखा हुआ है आपका रोल नंबर, आपका रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 है, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई भी हो सकता है। तो आपको कैसे लिखना है अपना रोल नंबर, अगर 1 है तो 1 इस बॉक्स के अंदर, बॉक्स के अंदर ही आना चाहिए, और 2 सेकेंड बॉक्स के अंदर, 3 थर्ड बॉक्स के अंदर, 4 फोर्थ बॉक्स के अंदर, 5th बॉक्स के अंदर, 6th बॉक्स के अंदर, और 7 बॉक्स के अंदर। तो आपका जो रोल नंबर होगा 7 डिजिट का होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं इसको आंसर शीट को नीचे की तरफ करता हूं थोड़ी सी, तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए यहाँ पे। और जो आपका नाम होना चाहिए वो कैपिटल लेटर्स में लिखा होना चाहिए। मान लीजिए आपका नाम कुछ भी हो सकता है, अक्षय है आपका नाम, तो आपको ऐसे AK नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा। काटना भी नहीं है वहां पे, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया है। तो आपको अपना नाम लिखना कैसे है, कैपिटल ए अक AKSHAY, फिर आपके सेकंड नेम भी होता है जो आपका फैमिली नेम, अक्षय कुमार, अक्षय गुप्ता या अक्षय अग्रवाल। मान लीजिए आपका नाम अक्षय गुप्ता है तो आपको स्पेस देके GUPTA ऐसे अपना नाम लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट अब बात आती है आपके फादर के नेम की। आपके फादर का नेम ये है, मान लीजिए आपके फादर का नेम शुभम है, तो आपने यहां पे शुभम लिख दिया, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, फिर स्पेस गुप्ता, ऐसे आपको नाम लिखना है वहां पे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नीचे आप चलते रहिए, फिर यहां पे बात आती है आपके रोल नंबर की। रोल नंबर में यहां पे देखिए ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको फिल करना है। और इन नंबर्स को फिल कैसे करना है, ये जो आपको जो ये खाली जीरो वाला नंबर है ना, मान लीजिए जीरो है आपका रोल नंबर, स्टार्टिंग जीरो से होता है, तो आपको इसको पूरे बॉक्स को भरना है, फिल करना है काले पेन से या नीले पेन से। अब यहां पे एग्जांपल लिया गया है कि मान लीजिए आपका नंबर 7321172 है, तो आप उसको कैसे फिल करें OMR शीट में। तो पहला नंबर क्या है आपका 1, तो इस लाइन में जाना है, ऐसे ऐसे वाली लाइन में, मतलब जो सीधी लाइन है, ठीक है, ये ध्यान से देखना। और 1 वाली जो बॉक्स होगा ना, जहां पे 1 लिखा होगा, उसको आपको पूरा डार्क कर देना है। पूरा डार्क कैसे, ना ही बाहर जाए ना ही थोड़ा अंदर रहे, ठीक है। फिर सेकंड नंबर मान लीजिए आपका 7 है, तो 7 इस लाइन में कहां पे आता है, ये इसको आपने पूरा डार्क कर दिया है सर्कल को। फिर थर्ड नंबर आपका 3 है, इसको सर्कल को डार्क कर दिया है। फिर 2 है, 2 को डार्क कर दिया है। 1 है, 1 को, और 7 है, 7 को, 2 है, 2 को। इस तरीके से आपको रोल नंबर यहां पे लिखना है। फिर आपकी जो टेस्ट बुकलेट नंबर होगी उसके ऊपर एक नंबर होगा, मान लीजिए वो नंबर ये है 0512467, तो 0 है पहले, पहली लाइन में 0 को डार्क कर दो, सेकंड में 5 को, थर्ड में 1 को, फोर्थ में 2 को, फिफ्थ में 4 को, और ये जो आपकी नेक्स्ट लाइन में 6 को, और ये सबसे लास्ट में 7 नंबर को। अब स्टूडेंट्स ये आपने भर दिया, फिर आपका जो है स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक सेंटर ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं। अब ये स्टूडेंट्स आपका सेकंड पेज है या सेकंड साइड है OMR शीट की, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अभी हमने जो नंबर बताया, मान लीजिए वो आपका नंबर 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 आप यहां पे लिख दो, 2 यहां पे, 3
फोर फाइव सिक्स सेवन एक्ज्यूम कर रखा है, तो ये जो आपके जो खाली बॉक्स है इनको भी भरना है। इस वाले लाइन में आपका नंबर क्या है, वन, तो इस वन को पूरे आपको ऐसे डार्क करना है अपने पेन से, ठीक है, टाइम मिलता है आपको, 10-15 मिनट आराम से कर लोगे आप। फिर सेकंड दो नंबर है आपका सेकंड लाइन में, इस टू को करना है आपको सर्कल, ठीक है। फिर थ्री है तो थर्ड लाइन में आपको जो है थ्री को करना है ऐसे ही, आपका कुछ भी नंबर हो सकता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। फोर है फिर इस लाइन में आपको फोर को पूरा डार्क सर्कल करना है। अभी डार्क सर्कल करते क्यों है, क्योंकि इसमें स्कैन होती है ये आपकी चेक होने के बाद, और उसमें अगर सही तरीके से नंबर नहीं होता स्कैन तो गलत हो जाता है आपका सारा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे अपना टेस्ट नंबर लेना है, कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 8, 4, 5, 6, 7 कुछ इस तरीके से, जो भी नंबर होगा उस लाइन में आपको उसी नंबर को डार्क कर देना है ऐसे एग्जांपल में। और ये जो है आप ध्यान रखना, सिर्फ ये दोनों चीजें आपको जो है फिल करनी है, बिल्कुल सेम ऐसा ही आपके पास शीट होगी तो दिक्कत कोई नहीं लेनी है। फिर ये आपको देखो लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय द इनविजिलेटर, जो आपके क्लास में चेकर होगा, जो आपको पेपर ले रहा होगा जिसके ध्यान से, वो रोल नंबर, मेन टेक्स्ट बुक नंबर, स्टेट डिस्ट्रिक्ट वो लिखेगा, यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। फिर नेक्स्ट बात आती है आपकी आंसर्स की, यहाँ पे देखिए आंसर्स के आपको ध्यान रखना है। और ये जो आपका बार कोड होगा कुछ ऐसे, इस पे आप अपनी फिंगर वगैरह कुछ मत दिखे, अगर ये खराब हो जाएगा तो आपकी आंसर शीट स्कैन नहीं होती है। अब जो क्वेश्चन वन आपकी बुक में दिया गया है उसी क्वेश्चन वन का जो भी आंसर आ रहा है, ए बी सी या डी, ये देखिए क्वेश्चन वन के सामने ये चार ऑप्शन है ऐसे, ठीक है, तो इनमें से मान लीजिए आपका आंसर बी आ रहा है, तो इस बी को आपको ऐसे कर देना है सर्कल, ठीक है। इस तरीके से ये नंबर चलते रहते हैं, पहली कॉलम में देखिए ये 1 से लेके 20 तक है, ठीक है, फिर ये पूरे 100 हो जाएंगे आपके, सेकंड में 21 वाला है, जिसका भी आंसर जो भी होगा आपको उसके सामने ही टिक कर देना है। जैसे मान लीजिए 61 का आंसर सी है तो सी को आप सर्कल कर दो पूरा ऐसे, ऐसे नहीं करना है कि आपने जो है मान लीजिए 62 का बी है और आपने आधा सर्कल कर दिया कुछ ऐसे और बाहर निकल रहा है आपका, तो आंसर ये गलत हो जाएगा। तो आपको पूरा सर्कल करना है, इस सर्कल के अंदर पूरा कलर कर देना है, जो आप ब्लू या ब्लैक पॉइंट पेन ले जाओगे नीचे से, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने जो इनविजिलेटर आपको जो है यहाँ पे स्टैंप लगाता है, और यहाँ पे आपको अपना साइन करना है, जो भी आपका साइन हो सकता है, अक्षय है तो अक्षय ऐसे कर देंगे आप अपना साइन, जो भी आपका साइन होता है, और यहाँ पे इनविजिलेटर अपना साइन कर देगा कुछ भी, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपको बहुत ध्यान से जो है ये फिल करनी है ओएमआर शीट, अगर आप ये गलत कर दोगे तो आपका सारा पेपर गलत हो जाएगा। कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, और जेएनवीएसटी टेस्ट या कोई और भी टेस्ट आप दे रहे हैं उसके लिए अगर कोई भी पूछना हो, प्रॉब्लम हो, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलें। थैंक यू।